बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है, आम रूटीन से हटके। वो इस तरह के डेली हम कुछ कुकिंग करते हैं, लेकिन आज हमने कुकिंग नहीं करनी, बल्कि जिन बर्तनों में कुकिंग होती है उनका रिव्यू जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसा हुआ कि मैं अम्मी की तरफ गई, कल का व्लॉग है ये, और अम्मी की तरफ गई तो वहाँ पे जो है ना मेरी भाभी अपने नए जो बर्तन हैं वो खोल के देख रही थी, तो मैंने कहा कि लाएं मेरे सामने अनबॉक्सिंग करें ताकि मैं अपने चैनल के लिए एक व्लॉग बना लूं। तो जब मैं पहुंची तो जनाब उनका लंच जो बिल्कुल रेडी पड़ा हुआ था, और ये था दाल चावल, मूँगी मसूर की मखनी दाल, साथ में घर का बना हुआ अचार, और बहुत मज़े का ये लंच था और बहुत मज़ा आया। मूंग की दाल मेरी बहन ने बनाई थी, बहुत डिफरेंट रेसिपी थी जो मैं बनाती हूँ उससे, तो इंशाल्लाह कभी आपसे शेयर करूँगी। अभी जो है वो हम अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। तो ये जी किचन किंग ब्रांड है, काफ़ी फेमस ब्रांड है, जिसके पॉट्स एंड पैंस का मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ये भाभी के लिए मैंने खुद ही ख़रीदे थे लास्ट ईयर 2019 में, लाहौर शालम बाज़ार से, कसेरा बाज़ार जो शालमी मार्केट में है, वहाँ से हमने बल्क में शॉपिंग की थी शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा बर्तनों की। तो ये कुछ जो हैं जो किचन किंग के हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये पांच पतीलों का सेट है, डिफरेंट साइज़ का, जो अनबॉक्सिंग जिसकी चल रही है। और उसके बाद फिर दो सॉस पैन हैं, दो फ्राइंग पैन हैं, उनकी भी मैं आपको दिखाती हूँ अनबॉक्सिंग। तो ये आप इसकी क्वालिटी चेक करें ज़रा इस कुकवेयर की। और नई ब्रांड है, बहुत नई तो नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ बहुत पुरानी ब्रांड्स के मुकाबले में ये नई है, लेकिन इसने अपने स्टैंडर्ड और क्वालिटी की वजह से नाम काफ़ी बना लिया है। तकरीबन इस वक्त मेट्रो, हाइपर और जितने बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पर इनके ये पॉट्स एंड पैन्स अवेलेबल हैं। मैंने खुद जा कर देखे हैं मेट्रो में और कारफोर में। तो प्राइसेस जो है वो मैं अभी आपको नहीं इनकी बता सकती, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी इकट्ठी, तो इसलिए फिर जो है वो कीमतें मुझे अब याद नहीं हैं। लेकिन ये बात है कि 2019 और अब की कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, स्पेशली लॉकडाउन के बाद चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ी हैं। तो ये जो है सबसे बड़ा वाला पैन है, पॉट है, जो पांच पतीलों का ये सेट है, तो उसमें ये सबसे बड़ा वाला है। तो ये मैं आपको साथ अब दिखाती हूँ, डिटेल में अनबॉक्सिंग हो गई है और इनके साइज़ मैं आपको बताती हूँ। और बहुत हाई क्वालिटी है और हैवी बॉटम पैन्स हैं ये। ये देखिए, ये सबसे छोटा वाला जो है 18 सेंटीमीटर में है, इससे छोटा भी अवेलेबल था लेकिन हमने ये सबसे छोटा लिया 18 सेंटीमीटर, और लीटर में भी इसकी जो है वो कैपेसिटी लिखी हुई है ऊपर यहीं पे साथ ही। तो बहुत अच्छी ये है इसका मटेरियल, और शाइनिंग में है ये, स्क्रैच फ्री, बिल्कुल बहुत खूबसूरत फिनिशिंग है इसकी। और इसका बॉटम जो है वो हैवी है, और साथ ही साथ इसके ढक्कन का वेट भी अच्छा खासा था। और ये जो है जो हमने लिए हैं, ये 26 सेंटीमीटर वाला मैं आपको बता रही हूँ, ये जो पॉट्स हमने लिए थे, पैन्स हमने लिए थे, इनको जूलिया बेली पॉट का नाम दिया हुआ है, डब्बे पे जो इनका नाम लिखा हुआ है वो जूलिया बेली पॉट है। और ये 30 सेंटीमीटर वाला पतीला है, बिरयानी वगैरह जो रूटीन की घर में किलो डेढ़ किलो बनती है उसके लिए बड़ा आइडियल है। और मैंने बताया कि हैवी बॉटम है तो ये इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि खाना लगता नहीं है। ये बड़ा सबसे बड़ा वाला है 34 सेंटीमीटर का, 2 kg तक राइस बिरयानी वगैरह इसमें बनाई जा सकती है। मेरी बड़ी भाभी ने पहले इसी ब्रांड का, किचन किंग का जो है वो एक और सेट यूज़ किया हुआ है, जो कि नॉन स्टिक है, और उसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। उसकी शेप भी बहुत अच्छी थी और हैवी बॉटम था और बहुत अच्छी क्वालिटी का वो भी रहा है। तो हमारा इस ब्रांड के साथ इत्तेफाक़ बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। ये सॉस पैन है और
ये भी जो है वो मैट फिनिशिंग में है और दो साइज़ में है और बहुत खूबसूरत फिनिशिंग है इनकी। और इनकी जो है ना बॉटम, वो पतीलों से भी ज़्यादा हैवी है। सॉस पैन और फ्राई पैन जो है वो बहुत हैवी बॉटम में थे और हाथ में लेते ही फ़ौरन से ये एहसास हो रहा था कि अच्छी क्वालिटी की ये चीज़ है। और इनके जो वुडन हैंडल्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत थे, उसकी पॉलिश वगैरह भी बहुत शानदार थी। तो ओवरऑल देखने में मतलब ये बहुत अच्छा सेट जो है वो बना रहे थे। और इस ब्रांड के प्रेशर कुकर्स बहुत अच्छे हैं, हमने अभी नहीं लिया क्योंकि हमारे पास जो है वो प्रेशर कुकर ऑलरेडी था, तो हमने इस ब्रांड का नहीं लिया। लेकिन इतने खूबसूरत थे कि उनको देख के रहा नहीं था जा रहा, बिल्कुल मेरा दिल कर रहा था कि मैं ले लूं। और ये जो है वो फ्राइंग पैन है बड़ा वाला और ढक्कन के साथ है फ्राइंग पैन दोनों, ये एक अच्छी इसका प्लस पॉइंट है, अच्छी चीज़ है। और कढ़ाइयाँ भी थी इसी सेम ब्रांड में काफ़ी, लेकिन वो मैं नहीं ले सकी क्योंकि उनका मुझे साइज़ का थोड़ा हो रहा था, साइज़ का मतलब जो मैं चाह रही थी वो मुझे अवेलेबल नहीं थे उस शॉप पे। तो ये देखें जी, चारों अनबॉक्सिंग हो गए हैं, दो सॉस पैन दो फ्राइंग पैन, और अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा इस ब्रांड के साथ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं इसको शेयर करूं अपनी फ्रेंड्स के साथ। और किचन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं तो इनकी तो ज़रूर इन पे एक व्लॉग बनना चाहिए। और मुझे वैसे भी ज़ाती तौर पे क्रॉकरी वगैरह जो है वो मेरा सबसे महबूब मशगला है, बहुत पसंद है मुझे क्रॉकरी ख़रीदना और उसको घर पे रखना। तो ये देखें, ये इसकी बॉटम मैं दिखा रही हूँ आपको, इसमें जो हैवी गेज चादर लगी हुई है ये देखिए। तो बहुत अच्छी ब्रांड है, व्लॉग पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा।